हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष देवांगन आप सभी का देवांगन क्लासेस में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे नंबर है? आते हैं प्रैक्टिस से। इसमें क्या बोल रहा है? फिल इन द ब्लैंक विथ सुटेबल फॉर्म्स ऑफ द नाउन्स गिवन इन द ब्रैकेट। नीचे दिए गए ब्रैकेट में जो भी आपका सुटेबल होगा उसको आपको सेलेक्ट करना है। तो पहला देखिए क्या बोलता है। रूल्स याद है तो 110% आप सही करेंगे। देखिए क्या पहला क्या है। अरुण हैज लॉस्ट हिज ब्लैंक। अब इसमें क्या ऑप्शन दिया है? बाइनोकुलर या फिर बाइनोकुलर्स। तो मैं क्या बताया हूं, ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिसके दो सरफेस दो फलक होते हैं वो हमेशा एस वाले फॉर्मेट में लिखा जाता है। तो आपका बाइनोकुलर्स हो जाएगा। मतलब आपका सही सेंटेंस क्या बनेगा? बाइनोकुलर्स। ठीक है, सेकेंड नंबर देखिए आप क्या दिखाई दे रहा है आपको। द ब्लैंक आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा? कैटल होगा कि कैटल्स होता है। तो मैं तीन चीज बताया था, कैटल, पीपल और पुलिस। ये तीनों के तीनों प्लूरल में होते हैं, भले दिखते सिंगुलर हैं। कैटल का कभी भी कैटल्स तो होता ही नहीं है। ये आपका क्या हो जाएगा? कैटल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, दिस चेयर इज मेड ऑफ वुड होगा कि वुड्स होगा। वुड मतलब लकड़ी और वुड्स मतलब जंगल। तो ये चेयर जो है लकड़ी का बना है बोलेंगे, तो इसका मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा? वुड होगा। आई कैन नॉट वॉक इवन वन एंड हाफ ब्लैंक। अब देखो, एक से अधिक हुआ, भले वो आधा ही ज्यादा क्यों ना हो लेकिन वो अधिक तो हुआ। एक से अधिक मतलब वो क्या हो जाता है? प्लूरल फॉर्मेट होता है। तो आपका किलोमीटर नहीं होगा, क्या हो जाएगा? किलोमीटर्स आपका क्या हो जाएगा? आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपका पांचवा नंबर क्या बोलता है। 30 ब्लैंक दिया है, आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब देखिए, शिप आएगा कि शिप्स आएगा? तो 30 है तो प्लूरल फॉर्मेट में होगा। तो अब आपका आंसर शिप होगा कि शिप्स होगा? 100% क्या होगा? शिप नहीं होगा। क्यों याद रखिए? क्योंकि शिप ऐसा नाउन है जिसका सिंगुलर और प्लूरल एक जैसा होता है। तो यहां क्या हो जाएगा? शिप ही होगा। क्लियर। छठवां नंबर देखिए, वी शुड फाइल अवर ब्लैंक इन टाइम। हमें क्या करना चाहिए? अपने रिटर्न्स को सही समय पर भरना चाहिए बोल रहे हैं। तो क्या होगा? रिटर्न्स होगा, ना कि रिटर्न होगा। ठीक, रिटर्न तो एक प्रकार का वर्ब भी होता है। ओके, वी इंजॉय द ब्लैंक ऑफ किड्स। हम इंजॉय करते हैं किड्स के पोएट्री का कि पोएट्रीज का? तो याद रखिएगा, पोएट्री होता है ना कि पोएट्रीज, सीनरी होता है ना कि सीनरीज। याद है, बताया था रूल में। ये हो जाएगा आपका क्या? पोएट्री। ठीक, नेक्स्ट है आपका, द रूम इज फुल ऑफ। क्या फर्नीचर होता है कि फर्नीचर्स होता है? तो मैं बताया था फर्नीचर होता है, फर्नीचर्स कभी भी नहीं होता। हेयर होता है, इंफॉर्मेशन होता है, मैं पढ़ाया था। समझ में आया? रूल है तो सब बनेगा और रूल नहीं तो कुछ नहीं। इसलिए आपको करना क्या है? रूल्स को बार बार पढ़ना पड़ेगा। रूल्स याद है, डेफिनेटली आपका बनेगा। चलिए कुछ और सेंटेंस देखते हैं। अच्छा, सेकंड आ गया, डायरेक्शन दिया हुआ है, फाइंड आउट द एरर इन विच इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इफ इन इफ देयर इज नो एरर योर आंसर इज ई। ठीक, मतलब आपको पार्ट में दिया हुआ है कौन से पार्ट गलत है उसको आपको पहचानना है। इसके लिए करते क्या है? रूल याद है, एक एक वर्ड को पकड़ते जाओ, उसके अकॉर्डिंग सामने वाला वर्ड सही है कि नहीं है चेक करते जाओ, सब्जेक्ट वर्ब को मिलाते जाओ, आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए मिलाते हैं। पहला है आपका वन ऑफ। देखिए पहला क्या बोलता है? वन वन आया। ओके, वन वाला रूल पढ़े हो, क्या पढ़े हो? उसके बाद यदि ऑफ आए तो नाउन जो होगा वो हमेशा क्या होगा? प्लूरल फॉर्मेट में होगा। ठीक है, देखिए क्या लिखा है, वन ऑफ हर फर्मेस्ट बिलीव लिखा है। तो बिलीव का हमें प्लूरल करना पड़ेगा, तो बिलीव नहीं होगा, क्या होगा? बिलीव्स होगा। आंसर आपका क्या हो गया? ए, आंसर मिल गया। आगे सेंटेंस देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, दूसरा देखिए, इन वन ऑफ, फिर से आ गया ये वन ऑफ आया, मतलब आगे आने वाला आपका नाउन क्या होगा? प्लूरल फॉर्मेट में होगा। तो क्या लिखा? वन ऑफ और फर्स्ट कन्वर्सेशन, ये आपका नाउन है तो ये क्या हो जाएगा? एस लगेगा, कन्वर्सेशंस हो जाएगा। ठीक है, आपका आंसर क्या? ए। थर्ड नंबर देखिए, ऑल द गर्ल्स, ऑल के बाद नाउन हमेशा क्या रहता है? प्लूरल फॉर्मेट में रहता है। ओके अच्छा, लेकिन देखो ऑल गर्ल्स स्टूडेंट्स दो बार आपका ये बोल रहा है, ये सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। कंपाउंड नाउन जब मैं बताया था तो कंपाउंड नाउन के मुख्य शब्द में आपको एस लगाना होता है,
प्लूरल बनाना होता है। क्लियर है, याद आ रहा है? मैं बोला था बॉयफ्रेंड, तो उसका क्या बनाए थे, बॉयज फ्रेंड्स बना था क्या? नहीं, क्या बना था? बॉयफ्रेंड्स बना था, दोस्त उसमें से मेन वर्ड था। उसी प्रकार गर्ल्स स्टूडेंट्स नहीं होता है, क्या होता है? गर्ल स्टूडेंट्स। मतलब आपको एस यहां लगाना है ना कि यहां, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए। ऐसे आपको रूल याद रहेंगे, मतलब आंसर आना ही आना है। चलिए चौथा नंबर बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्या है? द मेजोरिटी ऑफ द विमन, यहां तक सही है, ऑफ विमन। ये देखो, मिल रहा है गलती कुछ? बिल्कुल मिल रहा है। फिर से एक कंपाउंड नाउन मिला आपको। कंपाउंड नाउन क्या मिला? ये मिला आपका वुमन टीचर। याद रखिए मैं क्या बताया था, ऐसे कंपाउंड नाउन जिसमें दोनों पद की प्रधानता होती है, वो दोनों पार्ट को चेंज करके बनाया जाता है। याद आया, वुमन टीचर, वुमन डॉक्टर में बताया था, दोनों में बदलता है। तो इसमें तो एस लगा ही दिया गया है, अब इसको आपको प्लूरल करना है, तो एम एन में से ई चेंज कर दो ए के बदले में। तो सही सेंटेंस बना द मेजोरिटी ऑफ द विमन टीचर, दोनों में बदलाव हो गया। ठीक है, आंसर आपका क्या? ए, सब में यही आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा नंबर है आपका ही सेड दैट, इसमें कोई गलती नहीं है। आगे ही ऑलवेज केप्ट इन हिज पॉकेट, ही ऑलवेज केप्ट इन हिज पॉकेट, इतना तक में कोई गलती नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोलता है अ बंडल ऑफ 100 रुपीज नोट्स, आ गया, दो बार कार्डिनल एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया हो, तो देखो 1 भी कार्डिनल एडजेक्टिव है, 100 भी कार्डिनल एडजेक्टिव है, दो बार कार्डिनल एडजेक्टिव का प्रयोग किया गया हो तो उसके बाद जब दो नाउन आएगा तो पहला वाला सिंगुलर, दूसरा वाला प्लूरल। बताया था, आज ही पढ़े इसको, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? रुपीज नोट नहीं होगा, रुपी नोट्स होगा। मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक, छठवां नंबर देखिए, ही गेव मी, कोई गलती नहीं है, टू इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। देखो मैं बताया था, इंफॉर्मेशन कभी नहीं होता है, इंफॉर्मेशन होता है। ठीक, मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि कैसे रूल्स को अप्लाई करना है? कुछ और देखते हैं ताकि आपको 110% क्लियर हो जाए और रूल्स आपको बार बार पढ़ने पड़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेवन नंबर का क्वेश्चन क्या है? योर एडवाइसेस, बताइए एडवाइस का कभी भी एडवाइसेस होता है क्या? नहीं होता है। एडवाइस में ना तो उसके पहले कोई आर्टिकल का यूज होता है और ना ही उसका एस या ईएस लगाकर प्लूरल बनता है। तो गलती कहां मिल गया? गलती मिल गया आपको ए में, योर एडवाइसेस नहीं होगा, सीधा होगा योर एडवाइस। क्लियर। नेक्स्ट एट नंबर का था, आई सॉ ओनली 5 पुलिस, आ गया। मैं बताया था कि पुलिस ऐसा वर्ग है जो अपने आप में क्या है? प्लूरल फॉर्मेट है। पुलिस है, कैटल है, पीपल है, अपने आप में क्या है? वो प्लूरल फॉर्मेट में है, उसमें और एस या ईएस नहीं लगता है। ठीक है, ऐसा ये नहीं लगा है, लेकिन हमें संख्या बताना है, 5 बोलना है, 5 पुलिस बोलना है, तो वहां आपको क्या बोलना पड़ेगा? 5 पुलिसमैन बोलना पड़ेगा। तो ये पुलिस नहीं होगा, इसके साथ में जुड़ जाएगा क्या? मैन जुड़ेगा। मतलब पुलिस का 5 आदमी ये बोलना चाह रहे हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 9 नंबर कहता है All the chiefs minister, ये आ गया, ये क्या है आपका? कंपाउंड नाउन। मैं क्या बताया हूं कंपाउंड नाउन में? कंपाउंड नाउन के मुख्य शब्द में आपको एस लगाना है, प्लूरल बनाना है। कमांडर इन चीफ का क्या बनता है? कमांडर इन चीफ। बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड याद रखना है इसको, तो आपका क्या बनेगा? एक से अधिक गर्लफ्रेंड है या बॉयफ्रेंड है तो बॉयफ्रेंड्स होता है, गर्लफ्रेंड्स होता है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा? चीफ मिनिस्टर नहीं होता है, आपका आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ऑल द चीफ मिनिस्टर्स, इसमें नहीं लगेगा, इसमें लगता है। ओके, चलिए 10th नंबर देखते हैं। ही यूजेस अ फाइन क्वालिटी ऑफ शैंपू, यहां तक कोई गलती नहीं है। आगे बढ़ते हैं। सो हिज हेयर्स आर ब्लैक एंड अट्रैक्टिव, बताइए गलती कहां है? मैं बताया था, अपने बाल को छूकर बताया था कि मेरे बाल को याद रखने हैं कि माई हेयर इज ब्लैक। हेयर्स नहीं बोलना है, हेयर अनकाउंटेबल नाउन में आता है और हेयर का हेयर्स नहीं होता है। तो आपका सेंटेंस कहां गलती है? सी में गलती है, हेयर्स नहीं होगा, हेयर इज होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। 11th नंबर देखिए, ही सेज दैट,
a 2 miles walk always keeps him healthy and fresh. अब बताइए इसमें गलती कहां दिखाई दे रहा है, तो इसमें गलती दो है यहां, ठीक है यहां कोई गलती नहीं है क्योंकि सामने भी सही है, 2 mile walk भी सही है, ऑलवेज यहां ठीक है, 11वां नंबर में कोई गलती नहीं है, कोई गलती नहीं है तो आपको क्या टिक करना है, नो एरर टिक करना है. 12वां नंबर देखते हैं, ऑल हिज सिस्टर इन लॉज, आ गया कंपाउंड नाउन फिर से, और कंपाउंड नाउन के मुख्य शब्द में आपको क्या करना रहता है, एस लगाना होता है, तो सही सेंटेंस बनेगा आपका क्या, ऑल हिज सिस्टर्स इन लॉ. ठीक, नेक्स्ट 13 नंबर देखिए, द वॉल ऑफ दिस मैग्निफिसेंट बिल्डिंग इज 50 feet हाई, मिल गया गलती, ये क्या मिला आपका 50 मिला, मतलब कार्डिनल एडजेक्टिव मिल गया और उसके जस्ट बाद नाउन आए, तो वो नाउन कैसा होता है बोला तुम्हें, वो होता है आपका प्लूरल फॉर्मेट में, तो फुट नहीं होगा, फुट के बदले क्या होगा, फिट होगा. ठीक है, चलिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं. 14 नंबर देखिए, 14 नंबर क्या कहता है आपका, द हेडक्वार्टर, देखिए द हेडक्वार्टर ऑफ आर्मी, आर्मी का जो हेडक्वार्टर बना हुआ है दिल्ली में, हम उसकी बात कर रहे हैं, इसका मतलब जो हेडक्वार्टर, क्या हेडक्वार्टर एक ही बनेगा क्या, ठीक है, मतलब ये हेडक्वार्टर प्लूरल के फॉर्मेट में यूज होगा, तो हेडक्वार्टर नहीं होगा, क्या होगा, हेडक्वार्टर्स होगा. 90% क्वेश्चन में जो हेडक्वार्टर वाला एग्जाम्पल आता है वो हमेशा प्लूरल फॉर्मेट में ही देगा. ठीक है, आंख बंद करके मार देना टिक उसको, वो आपका सही हो जाएगा. चलिए बढ़ते हैं आगे. 15 नंबर क्या बोलता है, He has bought a dozen of copies of British English grammar. आगे मैं नहीं पढ़ता हूं, इतने में ही आपको समझ में आ गया होगा कि गलती कहां है. बताइए कहां गलती है, तो गलती आपको दिखाई दे रहा है इसमें बी, क्या बोला था मैं बात किया था यूनिट ऑफ काउंटिंग, याद आ रहा है, यूनिट ऑफ काउंटिंग को सिंगुलर रखेंगे यदि उसके पहले आर्टिकल का यूज किया गया हो तो, या तो फिर किसी नंबर 1, 2, 3, 4 का प्रयोग किया गया हो तो. ठीक है, लेकिन ऑफ का स्ट्रक्चर आए तो यूनिट ऑफ काउंटिंग को प्लूरल मानते हैं, और उसके बाद भी वर्ब जो होता है वो भी क्या होता है, प्लूरल होता है, ये भी बताया था. ठीक, उसमें ये भी बताया था मैं कि यूनिट ऑफ काउंटिंग के पहले पर्टिकुलर स्पेशल जो है आपका आर्टिकल ए लगता है, तो यूनिट ऑफ काउंटिंग के बाद ऑफ का स्ट्रक्चर नहीं होगा. मतलब इसको दो तरीके से सुधारा जा सकता था, पहला अ डजन कॉपीज, ये सही है, या तो फिर ए को हटा दीजिए, डजन्स ऑफ कॉपीज, ये भी सही हो सकता था. ठीक, मतलब आपका आंसर क्या है, बी. नेक्स्ट है आपका द ब्यूटीफुल सराउंडिंग, आ गया, सराउंडिंग नहीं होता है भाई, क्या होता है, सराउंडिंग्स होता है. ठीक है, मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए. नेक्स्ट है आपका द सीनरीज ऑफ काश्मीर इज मोर ब्यूटीफुल देन दैट ऑफ दार्जिलिंग. अब सेंटेंस बताइए कहां गलती है, पकड़ में आ गया होगा, सीनरीज नहीं होता है, क्या होता है, सीनरी होता है, मतलब गलती कहां है, ए में होगा, ये आपका क्या हो जाएगा, सीनरी, एन ई आर वाई हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट है आपका, लास्ट आपका दिखाई दे रहा है क्या, 2 summons हैव बीन इश्यूड बाय द कोर्ट बट यू हैव नॉट टर्न्ड येट अप. गलती कहां दिखाई दे रहा है, तो देखिए समन्स एस दिखाई देता है, वो आपका प्लूरल में है ऐसा लगता है, लेकिन वो क्या है, प्लूरल में नहीं है, वो सिंगुलर है. लेकिन 2 summons, समन्स मतलब कोर्ट का आदेश, ठीक है, 2 summons हैं, तो 2 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, समन्सेस बोलना पड़ेगा, तो इसमें ई और एस और लगाना पड़ेगा, तो 2 summonses हैज बीन इश्यूड बाय द कोर्ट बट यू हैव नॉट टर्न्ड अप येट. ठीक है, मतलब आपका आंसर क्या जाएगा, ए होगा. चलिए कुछ और देखते हैं, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बोलता है, तो इसमें आप देखिए पहला में क्या गलती दिखाई दिया, ये पढ़ चुके हैं, सीनरीज अभी जस्ट बताया मैं, सीनरीज नहीं होगा, सीनरीज के बदले में क्या होगा, सीनरी होगा. ठीक है, दूसरा देखते हैं, ये गलती है, दूसरा देखते हैं, ही इज अ 50 years old man, अ लगा है, कार्डिनल एडजेक्टिव, तो यहां नाउन क्या होगा, सिंगुलर होगा, ईयर्स नहीं होगा, क्या होगा, ईयर होगा. ठीक है, चौथा देख, तीसरा देखिए, द पीपल्स, पीपल्स होता ही नहीं है, क्या होता है, पीपल होता है. नेक्स्ट आपका, प्लीज कट इट विथ सीजर्स नहीं होता है, क्या सीजर नहीं होता है, क्या होता है, सीजर्स होता है. नेक्स्ट आपका देखिए, इट इज अ 5 month प्रेस, सेम इसी प्रकार का है आपका, आपका कार्डिनल एडजेक्टिव के पहले ए लगा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, सिंगुलर होगा, मंथ्स नहीं होगा, क्या होगा, मंथ होगा. नेक्स्ट है आपका,
एवरीवन के साथ में जो ये होगा क्या होगा, सिंगुलर के हिसाब से लगता है लेकिन आप देखिए क्या दिखा है, वेजिटेबल दिख रहा है, वेजिटेबल्स होगा। ठीक है, ही इज सफरिंग ऑफ मिजल्स होता है, मिजल नहीं होता है। नेक्स्ट, ही बॉट न्यू मशीनरीज नहीं होता है, क्या होता है, मशीनरी होता है। अब आगे देखिए, ही इज मैथमेटिक्स, आईसीएस के पहले आपका क्या दिखे, ही इज दिखे तो इज नहीं होता है, क्या होता है, आर होता है। नेक्स्ट है, मैथमेटिक्स डायरेक्ट स्टार्ट हो तो यहां वर्ब में क्या होता है, एस या ईएस लगता है, तो क्या हो जाएगा, रिक्वायर्स हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, प्रैक्टिस करेंगे इसको।